से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। द उम्मीद समस्तीपुर द्वारा स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। समस्तीपुर से नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। समस्तीपुर शहर के मालगोदाम चौक स्थित द उम्मीद पाठशाला पर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर अधिकांश परिवार बांस, पुरानी जस्ते की चादरों और प्लास्टिक सामग्री से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। इस झुग्गी के अधिकांश बच्चों को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि वे या तो भीख मांगने के लिए मजबूर हैं या कचरा संग्रहण का काम करते हैं। इन बच्चों को बेहतर भविष्य का अवसर देने के लक्ष्य के साथ द उम्मीद ने बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र स्थापित किया है, जो अब इन बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर रहा है, साथ ही उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता भी पैदा कर रहा है और उन्हें स्वास्थ्य के बारे में सिखा रहा है। और स्वच्छता। इन बच्चों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सौमेधु मुखर्जी सर के सौजन्य से मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आयोजित शिविर में 50 बच्चे और 20 अभिभावकों को निःशुल्क दवाइयां एवं चिकित्सा परामर्श दिया गया। डॉक्टर सौमेधु मुखर्जी ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया तथा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कहावत काफी पुरानी एवं प्रचलित होने के साथ साथ 100% सही है। स्वास्थ्य सभी के लिए अनिवार्य व आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक कर सकता है। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता होती है। स्वस्थ होने पर हम शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ रहकर हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मौके पर द उम्मीद के संस्थापक अमरजीत यादव, राम कुमार, सुमित भारती, नवनीत कुमार, अमन कुमार, नीरज आदि उपस्थित थे।